हो रही है, नहीं बनेंगे प्रॉब्लम, बहुत बनेंगे यार बहुत। आप इतने ब्रिलियंट हो, आपको तो चिंता की जरूरत है ही नहीं है, आपसे सब बन जाएगा। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स, तब कैसे करोगे? घबरा जाओगे आप अचानक से? आपको ऐसा क्वेश्चन, घबरा जाओगे? नहीं ना, और क्या, कैसे घबराओगे भाई? 11वीं क्लास में हो और इतने समझदार हो यार, सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हो। यहां फॉर्मूला लगा देंगे, बन फॉर्मूला लगा देंगे। अरे मल्टीप्लाई करने हो कह रहा है यार, कर लो ना। पहले एक्स का मल्टीप्लाई कर दो एक्स प्लस टू से, प्लस वन का मल्टीप्लाई कर दो एक्स प्लस टू से। लो भैया डी एक्स आ गया, करो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। लो यार सिंपलीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स। मैं बता चुका हूं, जब बहुत सारे फंक्शन प्लस माइनस में हो तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा बेटा? एक्स क्यूब बाई थ्री, थ्री तो बाहर है। एक्स का क्या आएगा बोलो? एक्स स्क्वायर बाई टू, प्लस टू तो बाहर है। और डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया? एक्स प्लस सी। आ गया आंसर, कोई दिक्कत है आपको? है ना सिंपल? घबराओगे क्या बताओ? बिल्कुल नहीं घबराना है, और हम है ना यार, थोड़ी भी दिक्कत हो फोन लगा लेना, मैसेज कर देना, कोई दिक्कत बनेगा यार। अलग अलग है, ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है, बन जाएगा। चलो देखो, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड है ये? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड भैया? सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे बन जाएंगे। अच्छा आगे देखो, एक और बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं आपको हम, बहुत इजी है पता है। इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बताएं बताओ, एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। इसको करो तो जाने कैसा बनता है आपसे। करो भैया, आ गया पक्का? देखो हम जानते हैं कैसे आया है, समझिएगा यार। ना इसको फैक्टराइज करेंगे या फिर इससे डिवाइड कर दो। वैसे अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये सब लॉलीपॉप है, कैंसिल हो गया। लो सो सिंपल प्रॉब्लम। लो यार आ गया ना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब बाई थ्री। एक्स का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई टू। डी एक्स का क्या होगा? एक्स। कोई दिक्कत है? समझ में नहीं आया? सब कुछ आ गया, अच्छे से आ गया, और क्या बताइए ना, कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से इंटीग्रेशन में कैसा भी सवाल आए, कैसा भी सवाल आपसे बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड और जोड़ घटाना आपका कंप्लीट बन जाएगा ना। अब कुछ लोग सोचते हैं पहचाने कैसे कि सब्स्टिट्यूशन का है? उस फंक्शन पे फोकस करो जिसके बारे में आपको मालूम है। अगर उसकी वो फंक्शन अगर सीधे सीधे फॉर्मूले से ऑपरेट नहीं होता है, इसका मतलब है तुमको वास्तविकता नहीं पता है, और जब नहीं पता है तो टी मानोगे, बिठा दे इसको। चलिए अब इंटीग्रेशन में एक चीज होती है प्रोडक्ट रूल, इसमें कोसेंट रूल नहीं होता, याद रखना। इंटीग्रेशन में कोसेंट रूल नहीं होता है ना, इंटीग्रेशन में क्या होता है? प्रोडक्ट रूल होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट। खैर मैं देखो, मैं आपको जितना इंटीग्रेशन बताऊंगा वो आपके लेवल से एक्स्ट्रा ही है, क्योंकि हम लोग मैथ में इतना पढ़ाते हैं कि तुम तो कहते रहो सो हम महीनों तुम्हें इंटीग्रेशन पढ़ाते रहेंगे, मतलब कुछ नहीं है। मतलब तो ये है देखो, कि जो मैंने फॉर्मूले पिछली क्लास में बताए थे वो फॉर्मूले रट लो, मैंने जोड़ घटाना के सवाल बताए थे वो याद कर लो, वो तैयार कर लो, सॉल्व कर लो। मैंने अभी आपको सब्स्टिट्यूशन बता दिया सो वो कर लो। अब मैं आपको प्रोडक्ट रूल बताए दे रहा हूं कहने सुनने के लिए, घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है मैथमेटिकल टूल्स का। समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो ठीक, बार बार हमसे पूछना है, ठीक है ना? मास्टर जिससे पढ़ो पूछना है, नहीं क्लियर होता तो बहुत दिमाग में लोड ना देना। फिजिक्स सीखना अपन को, मैथमेटिकल टूल्स तो मैथ वालों की पंचायत है ना। जितना आपके काम आना था ना, वो था एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन, मेनली इंटीग्रेशन का फॉर्मूले से ऊपर ज्यादा यूज नहीं है। और अभी मैं डेफिनेट पढ़ाऊंगा ना, तो डेफिनेट में भी सीधे वैल्यू पुट करने का, डेफिनेट में सीधे वैल्यू पुट करने का, अभी दिखाता हूं मैं, है ना, थोड़ी देर बाद, है ना। समझो, प्रोडक्ट रूल बताते हैं। कौन सा रूल भैया? प्रोडक्ट रूल।
इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कहीं कहीं बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पता नहीं क्यों बोलते हैं, आप तो ज्यादा दिमाग लगाना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और पहला क्या, प्रोडक्ट रूल, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट रूल में होता क्या है, जब एक से ज्यादा फंक्शंस हो, है ना, क्या हो, एक से ज्यादा फंक्शंस, और उन फंक्शंस के बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, किसका साइन हो, मल्टीप्लाई, मतलब वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व ना हो रहे हो, और उनके बीच में काय का साइन हो भैया, मल्टीप्लाई का साइन हो, काय का साइन हो, लाइट क्या बंद हो रही भैया, काय का साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक है ना। तो ऐसे केस में उमंग देखो थोड़ी यार, ऐसे केस में जब मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक है, तो अपन क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल, है ना। देखो यार ये तो लाइट परेशान कर रही है,